गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो गाइस मेरा सबसे पहला स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है, तो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो भाई उसके लिए सॉरी। तो भाई ये बात है 2020 को जहाँ पर सभी बंदे फ्री फायर दिन रात खेला करते थे, एंड भाई रात के समय तो क्या बताऊँ लेट नाइट तक भाई रैंक पुशिंग करा करते थे ग्रैंड मास्टर के लिए। और भाई फ्री फायर उस समय भी ट्रेंड पर था और फ्री फायर अभी भी ट्रेंड पर है। लेकिन भाई मैं आप सभी को 2020 की एक बात बताने वाला हूँ कि किस प्रकार अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ कि भाई किस प्रकार मेरे दोस्त ने मेरे साथ स्कैम किया, उसने भाई मेरा आईडी हैक करवा दिया। तो वीडियो भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस ये बात है 2020 की जहां पर फ्री फायर इतना ज्यादा ट्रेंड में था कि हर एक बंदा उसको खेला करता था। हर एक बंदे के मोबाइल में भाई फ्री फायर आपको जरूर डाउनलोड मिलेगा। एंड हां दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने अप्रैल 2020 में अपना सबसे पहला फ्री फायर का आईडी बनाया एंड गेस्ट आईडी बनाया। लेकिन भाई मेरे जहां पर मैं रहता हूं सभी बंदे दिन रात फ्री फायर को खेला करते थे, एंड फ्री फायर इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि भाई क्या बताऊं, मुझे भी ऐसा लगता था यार कि क्यों ना इस गेम को मुझे भी खेलना चाहिए। तो भाई मैंने एक महीने बाद अपना फ्री फायर आईडी अपने फेसबुक से लॉगिन किया। एंड भाई सबसे पहले आप सभी को बता दूं यार कि आप सभी को पता है कि जब हम सबसे पहली बार अपना आईडी फ्री फायर में बनाते तो हम सभी को ऐसा लगता है यार क्यों भाई हमारी आईडी में भी कलेक्शन होना चाहिए यार, क्यों हमारी आईडी में भी इतना कलेक्शन तो होना चाहिए कि हम दूसरे बंदों को दिखा सके, उनसे कलेक्शन वर्सेस भी कर सके। तो भाई उस समय इतना ज़्यादा टॉप अप करते थे बंदे कि मैं आप सभी को क्या ही बताऊँ। तुम्हारे भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि भाई वो टॉप अप कर सके, लेकिन भाई किसी तरह यार मैंने अपने डिजायर्स को डेट करके यानी मैंने अपने इच्छाओं को मार कर भाई मैंने किसी भी तरह यहाँ पर पैसा इकट्ठा किया। एंड भाई सबसे पहला टॉप अप मैंने अपना 10 रुपये वाला किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले 10-10 रुपये वाले ऑफर आया करते थे शुरुआत वाली आईडी में, ठीक है, अभी तो शायद बहुत कम आते हैं, नहीं तो 29-29 वाले आते हैं। तो भाई मैंने 10 रुपये वाला टॉप अप सबसे पहले किया अपने गेम में। एंड भाई उससे मैंने सबसे पहले एक बंडल निकाला, लेकिन भाई पता उस बंदे ने टॉप अप कैसा किया, रिडीम कोड से नहीं किया था और मैं भी नया था, मुझे तो पता नहीं था। तो उस बंदे ने मेरा आईडी और पासवर्ड लिया और वहाँ पर मेरे को टॉप अप करके दिया। लेकिन भाई उस समय मेरा आईडी हैक नहीं हुआ था, वो बंदा सही था, ठीक है यार। यहाँ पर एक ऐसा इवेंट आया था तो मैंने उसमें सारे डायमंड खर्च कर दिए। लेकिन भाई 2022 में मेरे साथ जो स्कैम हुआ वो मैं आप सभी को क्या ही बताऊँ। भाई एक बंदा था जो कि हम सभी 2020 से साथ में खेला करते थे और भाई हमने 2 साल बहुत अच्छे तरीके से खेला, लेकिन भाई एक दिन ऐसा क्या हुआ, लेकिन मतलब वो बंदे के पास जो आईडी था उसका आईडी बहुत अच्छा था और वो अच्छी गिल्ड में जुड़ा था जिसके कारण उसे हर हफ्ते कस्टम मिला करते थे। और भाई इस चैनल से पहले मेरा एक और चैनल था, जैसा कि हम सभी को पता है जब हम शुरुआत में चैनल बनाते तो कुछ ऐसा ग्रो टाइप नहीं होता है तो हम बंद कर देते, तो गाइस मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तो गाइस उस चैनल पर मैं यहाँ पर स्टेटस वीडियो डाला करता था हेडशॉट्स, एंड गाइस इसी प्रकार जो है मैं यहाँ पर कस्टम खेल कर हर बंदों से भाई बोलता था भाई प्लीज यार कस्टम बना दो यार भाई कस्टम बना दो। भाई कुछ बंदे तो मुझे गालियाँ भी दिया करते थे, लेकिन भाई मैं यार यहाँ पर वीडियो के चक्कर में भाई मैं वो भी सुन लेता था, फिर भाई मैं उनको बोलता भाई बना दो, और भाई कोई कोई बंदा बना भी दिया करता था। और फिर मैं भी एक अच्छी गिल्ड में जुड़ गया, मुझे भी यहाँ पर कस्टम मिलने लग गए। और भाई उस कस्टम से क्या मैं जो भी हेडशॉट की क्लिप मिल जाती उसको काट कर यहाँ पर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करता था। तो भाई एक दिन क्या हुआ कि वो जो मेरा दोस्त था भाई मैं बंदे का नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे इसका नाम लेने में भी शर्म आ रही है। तो भाई उस बंदे ने मुझसे क्या बोला कि भाई मैं तुम्हें एक लिंक दे रहा हूँ, भाई देखो मैं भी इतना नया था और मेरे साथ ऐसा कभी केस हुआ नहीं था। तो भाई उस बंदे ने मुझसे क्या बोला कि भाई मैं तुम्हें ना एक लिंक देता हूँ और उस लिंक पर क्लिक करोगे तो तुम्हें ना 2 कस्टम फ्री में मिल जाएंगे। अब भाई यार मुझे दिन वीडियो बनाना तो काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो भी नहीं अपलोड करी थी, और भाई मैंने सोचा यार ठीक है यार मतलब 2-2 कस्टम मिल रहा है मेरा वीडियो भी बन जाएगा। तो भाई मैंने बिना कुछ सोचे समझे भाई बंदे भी इतना भरोसा था मेरे को कि 2 साल हमने साथ में खेला था, तो मैंने उस पर आँख बंद कर भरोसा कर लिया। एंड भाई उस लिंक पर बिना कुछ सोचे समझे मैंने क्लिक कर दिया। अब भाई सुनो मैंने लिंक पर तो क्लिक कर दिया, अब वहाँ पर देखो मतलब एक बैनर टाइप आया कि तुम्हें पर 2 कस्टम मिलेंगे। लेकिन भाई देखो जो ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह होती है, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है, रियल वेबसाइट्स होती है, उनके जो बैनर जो पोस्टर होते हैं वो एकदम रियल होते हैं, ऐसा लगता है कि किसी प्रोफेशनल ने बनाया है। लेकिन भाई जब मैंने उस लिंक पर क्लिक किया ना तो मुझे उसके जो बैनर दिखे एकदम घटिया टाइप दिखे, यानी जो नया यूट्यूबर स्टार्ट होता है, जो नया बंदा यूट्यूब पर चैनल पर स्टार्ट करता है, तो जो उसका जो थंबनेल होता है वो आपको पता है तो कितना मतलब मैं ऐसा कुछ गलत नहीं बोलना चाहूंगा मतलब कितना लो होता है, आप सभी को भी पता है। जब पहला वीडियो अपलोड किया करता था मेरे भी थंबनेल एकदम लो हुआ करते थे, तो कुछ उस टाइप का इसने बैनर बना रखा था, उसमें 2 कैरेक्टर थे और सिर्फ इतना लिखा था 2 कस्टम फ्री रिवॉर्ड। तो भाई मैंने बिना कुछ सोचे समझे यार और मैं नया तो था ही, मैंने उस पर भाई लिंक पर क्लिक कर दिया एंड उस लिंक पर अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया। एंड भाई उस लिंक पर जैसे मैंने आईडी और अपना पासवर्ड डाला भाई जस्ट अ मिनट लगभग भाई 1 या फिर 2 मिनट बाद भाई पता है मेरा जो गेम का आईडी है वो मेरे गेम से को थोड़ी थोड़ी देर बाद लॉग आउट होते जा रहा था। और भाई मैं खट से गया, मैं आईडी पासवर्ड भी चेंज नहीं कर पाया भाई, उतने में भाई मेरा आईडी हो चुका।
गाइस मैं कैसे समझा कि मेरा आईडी हैक हो चुका है। मैं जब भी अपने गेम में जाऊं तो बार बार लॉग आउट हो जाए भाई, अब लॉग आउट होते जाए लॉग आउट होते जाए। तब भाई यार फिर भाई मैंने बहुत सारे बंदों से पूछा यार भाई ये क्या हो गया। बोला भाई किसने तेरा आईडी हैक कर लिया। मैंने बोला भाई कैसे। उन्होंने बोला तेरा तूने आईडी पासवर्ड दिया था किसी वेबसाइट में। बोला हाँ भाई यार लिंक पे क्लिक किया था आईडी पासवर्ड दिया। भाई बोला फिर तो तेरे साथ खेल हो गया, तेरा आईडी हैक हो चुका है। भाई मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गया ना भाई यार कि मैंने इतनी मेहनत से भाई मेरा पहला आईडी था और इतने अरमानों से भाई मैंने उस आईडी में पैसे बचा बचा के थोड़े बहुत टॉपअप बंडल्स निकाले थे। और भाई मेरी किस्मत अच्छी रहती थी कभी क्यूपिड स्कार जैसी तो भाई कभी बनी MP40 की क्रेट तक गाइस मुझे यहाँ पर फ्री मिली थी। सोचो मतलब कितनी रेयर थी भाई मेरे लिए वो आईडी। और भाई उस बंदे ने उस आईडी को हैक करवा दिया। एंड भाई वो बंदा अभी फिर मैंने अगले दिन उस बंदे को अपने गेम में बुलाया। भाई वो बंदा मेरे ग्रुप में आने से मना कर दे मतलब मैं उसका रिक्वेस्ट भेजूँ वो रिक्वेस्ट ही ना ले। और भाई फाइनली एक दिन वो मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा देता है। तो उस दिन के बाद भाई जो भी बंदा मेरे को कोई सा भी लिंक भेजता है मैं उस पर कभी क्लिक नहीं करता हूँ। एंड भाई मैं आप सभी को ये सजेशन देना चाहूँगा कि अगर भाई कोई आपको ऐसा लिंक देता है इस लिंक पर क्लिक करो आपको ये रिवॉर्ड मिलेंगे तो भाई उस लिंक पर कभी क्लिक मत करना। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये मेरी सबसे पहली स्टोरी टाइम वीडियो थी अच्छी लगी होगी। एंड हाँ दोस्तों क्या ऐसा इंसिडेंट कभी आपके साथ हुआ है या फिर नहीं हुआ मुझे नीचे कॉमेंट करके भाई लोग जरूर बताना कि ऐसी जो घटना आपके साथ हुई है या फिर नहीं हुई। अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल वाला आइकन उसे भी ऑल पर जरूर सेट कर देना। तो बाय बाय दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय।